वाला जो पद होगा उसको मानेंगे क्यों? पहले बहुत बढ़िया सवाल को समझेंगे। देखिए, चार बटा एक्स प्लस तीन वाई बराबर 14 समीकरण नंबर एक मान लेंगे, और तीन बटा एक्स माइनस चार वाई बराबर 23 समीकरण नंबर दो मान लेंगे। हो गया, पहले बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, बात करोगे ना, भले पढ़ा देंगे लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तनिक आप खूब बढ़िया से इसको देखिए। हालांकि सवाल बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, तनिक माने होने के बाद बस, और क्या है, बहुत कायदे से देखिए। अच्छा, ऐसा सवाल आपको दिखाई कभी भी दे दे तो क्या आप इसको पी मान करके लगाएंगे? लेकिन एक रहस्य की बात है, आखिर पी मानेंगे क्यों? क्योंकि देखो, इसके हर में क्या आ चुका है, एक्स आ गया, चार आ गया, तो आप मानेंगे। क्या मानेंगे? देखिए, माना कि देखिए बटा में एक्स है ना, तो एक बटा एक्स बराबर पी। अच्छा बच्चे, कोई सोच रहा होगा सर आप चार बटा पी क्यों नहीं माने? अंक से मतलब नहीं है हम लोग को, एक बटा एक्स ही मानेंगे, बाकी ऊपर अंक हो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। एक बटा एक्स होगा पी, और जो वाई होगा उसको क्यू मान लो, क्यू बराबर क्या आ गया, वाई। एक बटा वाई तो मानेंगे नहीं, एक बटा वाई इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि बटा में तो है नहीं वाई, ये बटा में एक्स था तो हमने बटा में लगा करके माना इसको, ये बटा में नहीं है तो ऐसे ही मान लें। अब इस मान को उठा करके समीकरण एक से लिख देंगे पहले, तो अब चार है ना, जैसे चार है तो चार लिख लो। अच्छा, एक बटे एक से तो पी है तो पी लिख लो, प्लस कर लो, तीन लिख लो, क्यू लिख लो, बराबर 14 लिख लो समीकरण नंबर तीन, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। अरे एक बटे एक से है तो खाली चार लिख लो पी इसके साथ, तीन लिख लो इसके साथ, क्यू बराबर 14 समीकरण नंबर तीन। और फिर यहाँ लिखना है समीकरण दो से, वही मानो फिर दो में रखाएगा तो तीन हो जाएगा, पी रख दो माइनस चार रख दो, क्यू रख दो बराबर 23 समीकरण नंबर कितना आ गया, चार हो गया, इतना हुआ। अब आपको क्या करना है बाबू, समीकरण तीन। अच्छा देखो, एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पर तो चार दिया, यहाँ पर तीन दिया, तुम्हें तो बराबर करना तो बहुत ज़रूरी है ना, तो बराबर कैसे करेंगे आप? बारह बारह कर लें, यानी समीकरण तीन में चार से गुणा कर लें, समीकरण चार तीन से, हाँ समीकरण चार में चार से कर लें। तो चलो लिख लो कि समीकरण तीन गुणे कितना, तीन माइनस समीकरण चार गुणे, चलो तो तीन से गुणा सब में होगा तो चार तय कितना हो गया, बारह पी, तीन तीन का नौ क्यू माइनस, ठीक है नौ हो जाएगा, चार तीन बारह पी और माइनस चार से होगा 16 क्यू बराबर, हाई तो तीन से गुणा किया ना तो 14 तैयार 42 माइनस 23 चौको नहीं, चार तीन बारह के दू, चार दून आठ एक नौ, 92 होगा। अच्छा सुनो, ये 12 पी लिख लो प्लस 9 की लिख लो, माइनस से गुणा करोगे 12 पी तो 12 ही पी होगा बाबू, 12 पी माइनस में कितना प्लस 16 क्यू बराबर, 92 में से 42 घटा दो माइनस 50 होगा ना, 50 समझ। अच्छा समझ में आ रहा ना इतना? अच्छा आराम से भाई, माइनस 12 पी से प्लस 12 पी काट दो, अब भाई क्यू वाले एक जात के बाद हल कर दो तो 16 और 9 25 होगा, जोड़ रहा है ना हम लोग तो 25 क्यू अब बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 50 तो क्यू बराबर माइनस 50 बटा 25, 25 से 50 से काट दोगे दो बार में तो क्यू का मान हो गया माइनस 2, क्यू का मान कितना आ गया, कितना सब लोग समझ गए? अब सुनो ध्यान से, क्यू का मान किस में रखेंगे, यही भी लेते हैं क्यू बराबर माइनस 2 समीकरण एक में, तीन में रहते हैं, तीन में रखने पर तो रखो तीन में, देखो तो तीन में यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, चार पी होगा लिख लो बाबू, प्लस कर दो भाई तीन ऐसे ही लिखो गुण है, आ क्यू का मान माइनस 2 है तो माइनस 2 भर दो बराबर 14 है तो 14 लिखो, तो चार पी आई माइनस 3 दूना 6 बराबर 14, चार पी बराबर 14 प्लस 6 चार पी 14 में से 14 6 20 पी बराबर 20 बटा 4 काटेंगे तो 5 बार में तो पी बराबर कहाँ आ गया 5 पी बराबर, लेकिन आंसर तो हुआ नहीं है, तरीका हमारा क्या होता है फिर क्यू और पी के जगह यहाँ पर रखेंगे तो पुनः यहाँ पर लिखेंगे। अगर मान लो पी बराबर तुम्हारे पास 5 है तो पी के जगह पर क्या मानेंगे, जो माने एक बटा, तो एक बटा एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5,
इसका तो ये गुणा कर दो तो पाँच गुणा एक्स बराबर एक, तो एक्स बराबर हो गया एक बटा पाँच, ये हो गया। और फिर यहाँ पर क्यू बराबर क्या मानेंगे, माइनस दो तो माइनस दो, और क्यू के यहाँ पर एक बटा वाई बराबर माइनस दो, सिर्फ वाई तो और ही आसान हो गया, तो वाई बराबर सिर्फ कहाँ आ जाएगा माइनस दो बन गया। अगर कहीं डाउट है तो कुछ नहीं, आप हमेशा मानेंगे तीन चार बनेगा, तीन चार को हल कर दीजिए, पी क्यू का मान निकल जाएगा, फिर पी के जगह पर जो माने थे उसको और क्यू के जगह उसको रख दीजिए, टेंशन आ गया। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया है? और चलो क्वेश्चन नंबर चार पाते हैं। देखो भाई तनी आपके पास मोबाइल भी है, टाइम भी आपके पास है, तनी पढ़ो, बात समझ रहे हो, पढ़ोगे ना तो आपके पिताजी की एक उम्मीद हो जाएगा कि हम अपने बच्चा को पढ़ाएंगे, एकदम निश्चित बात मानो आप, अगर अगर मेहनत से पढ़ेंगे आपके पिताजी को उम्मीद बनेगा कि हम अपना बच्चा को पढ़ाएंगे, समझ रहे बात। मैंने कहा था एक चीज़ आपको कि जो भी आप देखते हैं बिजनेस को देखते हैं, दुकान देखते हैं, वो दुकान तभी तक चलेगा जब उसके सामने कोई दुकान नहीं है, जिस दिन दुकान के सामने अच्छा दुकान खुल जाएगा फिर वो बिजनेस फ्लॉप होने लगता है, लेकिन अगर आप कोई पद पर चले जाएंगे पढ़ते तो कभी फ्लॉप नहीं, हमेशा हमेशा, समझ रहे बात। इसीलिए पढ़ा करो तुम, अच्छा इतना हार्ड थोड़े है, हमने के नहीं पढ़ते हैं ना, मेहनत नहीं करते, इसलिए हार्ड हमको लगता है, बहुत आसान है, समझ में आया ना। देखो अगर समझ में जो सवाल आ जाता है ना कभी भी नहीं बुलाता, आ जाओ क्वेश्चन नंबर चार है। अच्छा पाँच बटा दिया है एक्स माइनस एक प्लस एक बटा वाई माइनस दो बराबर क्या दे दिया है दो, समीकरण नंबर एक मान लो, और दे दिया आपके छ बटा एक्स माइनस एक प्लस माइनस माइनस पाँच बटा पहले समझ लेना बाबू वाई माइनस दो बराबर क्या दे दिया है एक, समीकरण नंबर आपके पास दो, तीन बटा चलिए तीन कर लीजिए ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ मुझे कि आप क्या कर सकते हैं भाई, सवाल में तो नीचे हर में आपको दिखाई दे रहा है कि हर में हमारे पास देखो एक्स आ चुका है और यहाँ वाई भी आ चुका है, तो जब भी आपको हर में ऐसा प्रतीत हो तो हमें मानना बहुत अनिवार्य होता है, क्या बाबू जब हर में आ जाएगा तो पी और क्यू तो मानना है, तो क्या मानेंगे एक बटा एक्स माइनस वन बराबर पी आ एक बटा वाई माइनस टू बराबर क्यू, समझ में आया, माने जो बटा होगा उसको मान लेंगे, मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं माना कि एक बटा एक्स माइनस वन बराबर पी और एक बटा वाई माइनस टू बराबर कितना क्यू, ठीक है, और मान भरे तो देखो बाबू पाँच सही रखो आ एक बटा जहाँ पूरा बा उसके जगह पी रख दो, प्लस लिखो हाई जहाँ बटा में था क्यू लिखो, बराबर दो है तो दो लिखो, समीकरण नंबर तीन, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ इसमें, हाई छः लिख लो फिर एक बटा इतना है तो पी लिख लो, माइनस करो तीन लिख लो फिर क्यू लिख लो बराबर एक, समीकरण नंबर क्या आ गया चार हो गया चार। अच्छा एक खूब बढ़िया चीज़ समझ लो, ये दोनों समीकरण अब आपको क्या करना, तीन और चार को हल कर देना है, तो तीन में देखो यहाँ पर क्यू है आहे में क्या है तीन क्यू है, अगर यहाँ भी तीन क्यू हो जाए तो काम हो जाएगा ना आपका, लेकिन देखिए चीन भी उल्टा है, जब प्लस व माइनस हुआ तो जोड़ेंगे, चीन विपरीत, विपरीत का मतलब अलग अलग, एगो तीन क्यू दूसरे का तीन क्यू, तो एगो तीन क्यू के ऊपर प्लस एगो तीन के ऊपर माइनस, तो अलग अलग चीन होता है तो जोड़ देते हैं, तो क्या किया हमने, हमने समीकरण नंबर तीन में किससे गुणा किया क्योंकि यहाँ पर तीन क्यू है, इसको भी बराबर कर, लेकिन इसमें झमेला ही है ना कि मान लो कि पाँच और छः प्लस तीस होगा तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा छः से, आ इसमें भी गुणा करना पड़ता है पाँच से, मैं डबल गुणा करना है, यहाँ पर बस एक ही बार में हो जा रहा है तो आसान यही तो है, तो क्या करें समीकरण तीन में किससे गुणा कर दें। अच्छा पता चला क्यों सर तीन से गुणा कर रहे हैं, ये कटना चाहिए, देखा कटेगा कब जब एकदम सेम होगा बराबर होगा, आ यो कटेगा जैसे क्यू कटता है तो पी का मान निकल जाएगा, पी काटते तो क्यू का मान निकल जाता है, यो कटेगा तभी टेगो बचेगा तो मान निकलेगा, नहीं तो झमेला है दोनों आपका है, तो इसीलिए हम लोग काट रहे हैं, कटेगा तब जो पहले बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग समीकरण तीन गुण है तीन आ प्लस समीकरण, आप बोलो क्यों प्लस किए हम, लगातार सर कहेंगे चीन उल्टा है, चलो तो हमें तो गुणा तीन से कर रहे थे पाँच दी पंद्रह पी लिख लो बाबू, इसमें भी तीन से गुणा करें तीन क्यू आ प्लस कर दो, जैसे है वैसे ही लिख लो छः पी, माइनस जैसे है वैसे ही चीन नहीं बदलेगा आप, इसमें भी तीन से गुणा कर दो छः आ प्लस एक, छः प्लस तीन छः होता है,
अच्छा देखो माइनस तीन क्यू से प्लस तीन क्यू कैंसिल, 15 छः जोड़े कितना आ जाएगा 21 पी, और 6 और 1 कितना आ जाएगा 7, तो पी बराबर आएगा 7/21 काट दोगे तो 3 बार में तो 1/3 का आ गया 3, तो पी बराबर 1/3 किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 3 में रख दीजिए, पी बराबर इतना जो आया है। तो जब 3 में रखेंगे तो आपके पास मान का आ जाएगा, निकल जाएगा, तो रख देते हैं 3 में हम लोग रखें। देखो 3 समीकरण कहाँ है, यहाँ ये वाला हिस्सा है 3, देख ही रहे हैं आप। तो पहले तो 5 वैसे ही लिख लो, लिख दिया हमने गुण है, जहाँ पी है था 1/3 आ गया तो 1/3 लिख लेते हैं, प्लस क्यू है तो क्यू लिख लेते हैं, बराबर आपका कहाँ है 2 है तो 2, अब भाई 5 से गुणा 1 में कर लो तो 5/3 प्लस क्यू बराबर 2, क्यू वैसे ही लिख लो 2 माइनस 5/3 लिख लो, लसा ले लो क्यू बराबर 3 और लसा 3, 3 दूना 6 माइनस 5, तब क्यू बराबर 6 माइनस 5 जाएगा 1/3 आ गया। कोई दिक्कत, क्यू का मान भी 1/3 आ गया, पी का मान भी 1/3 आ गया, लेकिन आपको पहले जो मान लो क्यू ले लो, क्यू का मान 1/3 है तो क्यू के जगह पर रखोगे ना, कहाँ रखोगे, देखो क्यू के जगह पर कितना मान, ये वाला हिस्सा माने ये वाला, तो रख दो 1/y-2 = 3, तो गुणा कर दो तीसरा तीसरी, चलो गुणा कर दो, क्या करोगे तो y-2 है और गुणे 3 हो जाएगा बराबर 1 है कमी, तो y-2 = 3, 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 का आ गया 3 गुणा में, तो y बराबर 1/3 प्लस 2 प्लस ले लेंगे तो 3, और 1 + 3 दोनों कितना आ गया 6, तो 7/3 का आ गया 3 आ जाएगा, 7/3 किसका मान, y का मान, ये x निकाल लेते हैं तो y का मान इतना आ गया, तो p बराबर कितना आया 1/3, पी बराबर भी तो यही आया, लेकिन पी के जब कितना माने है, इतना माने है ना, तो 1/(x-1) = 1/3 गुणा कर दो, तो अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ठीक नहीं है ना, नहीं सही 1/3 रहेगा, यहाँ पर 1/3 है, चलो अब गुणा करो, तो y-2 = 3 तो y = 3 आप प्लस 2 तो y = हो गया 5 हो गया। अब x के लिए तो पी बराबर कितना माने है, पी बराबर भी 1/3 आया है ना, तो पी की जगह पर क्या रख देंगे 1/3, देखो ना यहाँ पर माने x-1 बराबर 1/3 गुणा कर दो, तो x-1 = 3 तो x = 3 + 1 का आ गया 4, तो निकल गया 1/2, ठीक है समझे बात को, तो पहले आपका एक चलो ए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पर चले, हमने क्या 5 नंबर पर देखो बाबू, 7x-2y / x y = 5, अभी पहले इसको हल करिएगा ठीक है ना, इधर सुनो हम लोग ऐसे बनाना है इसको कि जो अंश वाला हिस्सा देख रहे हो अंश में एक्स वाई है ना उसको नहीं रहना चाहिए, अंश में एक्स वाई इसको माने हटाना बहुत ज़रूरी है बाबू, एकदम हटा देना है, तो क्या करोगे जानते हो, इसको अलग अलग कर दो, इसको क्या कर दो, तो 7x/(x y) - 2y/(x y) = 5, वाई से वाई इसमें क्या हो जाएगा एक्स एक्स, तो 7y - 2x = 5, 7y - 2x = 5 हो गया, कुछ बात सीख रहे हैं। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं ना, एकदम मान लेंगे सर, और दूसरा में दिया गया है 8x + 7y / x y = कितना दिया गया है 15। अच्छा पहले इसको भी अलग अलग कर लो क्योंकि अंश में एक्स वाई है ना उसको हटाना बहुत ज़रूरी है बाबू, तो क्या करेंगे 8x आई तो हाई बान हो तो एकरो साथ आ जाए, इसके साथ भी x y + 7y (x y = 15 वाई से वाई एक्स एक्स 8/y + 7/x = 15 समीकरण नंबर कितना आ गया 2 समीकरण नंबर। अब बताओ मुझे क्या करना है, मानोगे ना, माना कि 1/y = p मान लो और 1/x = q मान लो, तो सुनो यहाँ हो जाएगा 7p - यहाँ हो जाएगा 2q = 5 समीकरण में कौन 3, यहाँ हो जाएगा 8p, यहाँ हो जाएगा -7q = 15 समीकरण नंबर 4, वही कहानी पुरानी, आप एक काटना जरूरी है
कौन से काटेंगे इसको, इस लो इधर दोनों में गुणा करना पड़ेगा। देखा है दो से गुणा कर देते तो 14 हो जाए, ऐसा से गुणा कर दे तो यहाँ दो से गुणा कर दे कितना हो जाएगा 14, आहे में तू गुणा करबा तो 56 हो। तो का करना है समीकरण एक में किससे गुणा कर दो 7 से, और समीकरण दो में किससे गुणा कर दो, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 3×7 प्लस समीकरण 4×2 इधर आ जाओ, 2 से गुणा 7 से तो कितना हो गया 49 पी, माइनस है तो माइनस 7×14 क्यू प्लस कर दो, इसमें तो किसा है 2 से न 16 पी आ प्लस 7×14 क्यू बराबर इसमें कौन से गुणा होगा 7×5 35 इसमें 2 से प्लस 15×30 इधर लिखा गया। अच्छा माइनस 14 क्यू से प्लस 14 क्यू कैंसिल, 49 और 16 जोड़ दो तो 65, हाँ एकदम 65 होगा 65 पी बराबर 35 और 30 जोड़ दो तो वो 65 होगा, तो पी बराबर 65/65 हमनी के बचपन से पढ़ते हैं बराबर आंसर हर तक कितना आ जाता है 1, तो 65 से 65 कट गया 1। आप पी बराबर 1 किस में रखना है समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखो तो देखो 7 पी 7×1 माइनस 2 क्यू बराबर 5 माइनस 2 क्यू बराबर 5 माइनस 7 माइनस 2 क्यू बराबर -2 माइनस माइनस कैंसिल q = 2/2 तो 2 से 2 में कट गया 1, समझ रहे हो कितना आ गया, बड़ा दिक्कत। आज आप सुनो p और q का आ गया ना, पुनः आप लिखिएगा p बराबर कितना आ गया है 1, देखो p का मान कितना आ गया 1, देखिए p बराबर माने कितना है यहाँ 1/y, तो y 1/y रख देते हैं यहाँ पर बराबर 1 गुणा करेंगे तो y बराबर का आ गया 1, ठीक है। इधर आ जाओ पुनः यहाँ पर q बराबर कितना आया है 1, और q बराबर माने कितना है 1/x = 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, ये हमारा कहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से एक सर वाई का मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते, निकालेगा बन जाएगा। एक और क्वेश्चन, हाँ और एक्स वाई है तो अलग करो तो इसके साथ माने 7x के बटा में भी एक्स वाई आ जाएगा, अलग अलग करो माने नीचे जो होता है दोनों के साथ आ जाता है, तो 7x के बाद भी एक्स वाई माइनस वैसे ही लिखे 2y वैसे ही लिखे, इसके नीचे भी एक्स वाई, अब वाई से वाई कट गया, यहाँ भी एक्स एक्स कट गया, तो 7/y हमारे 2/x तो 5 समीकरण नंबर 1 हुआ। और सेम सिस्टम यही यहाँ भी लगाया गया, अलग अलग कर दिया गया, हो गया बस सिंपल बन जाएगा बना लो। एक और क्वेश्चन देख लेते लास्ट 6 नंबर, ये तो सीख लो बनाना, ऐसे बना लोगे तुम लोग। 6 है आपके पास, ये बहुत ही लंबा है लेकिन आपको थोड़ा हेल्प कर देते हैं, आप बनाइएगा 10/x + y + 2/x - y अब बराबर कितना दे दिया 4, समीकरण नंबर 1 मान 7 है 6 यहाँ पर है, चलो तो छोड़ दीजिए 6x + 3y 6xy। अच्छा इसमें पहले देख लो इसको बना लेते हैं, सुनो बाबू देख रहे हो झमेला का है, यहाँ अंश में यहाँ अंश में यहाँ अंश में, तो इसको नीचे करो एक्स वाई को नीचे करो, जेंगा आई नीचे था ना एक्स वाई कर दो, तो 6x इसके नीचे भी एक्स वाई आ जाएगा, 3y इसके नीचे भी एक्स वाई आ जाएगा, और केवल 6 बचेगा, समझ गए। आपका एक्स एक्स कैंसिल वाई से वाई, तो 6/y आप प्लस 3/x = 6 समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर पुनः एक और दिया है ना आपके पास समीकरण 2x + 4y = 5xy आपका दिया है, दे दिया इतना, क्या करेंगे इसमें आप एक्स वाई बटा में आएगा ना, तो 2x / 4y / xy केवल 5y / x, तो 2/y + 4/x
पाँच समीकरण नंबर तीन। अब बताइए ये दो दो, अब क्या करेंगे पी और क्यू मानेंगे ना, तो देखो सिंपल सी बात है, एक बट वाई बराबर पी, एक बट एक्स बराबर क्यू, समझ लो ना। सेम आप देखो यहाँ से यही प्रक्रिया अपनाएंगे, जैसे यह आ गया है ना, जैसे माने हैं सेम यही आपका बन जाएगा इस तरीके से। तो माना कि एक बटा वाई बराबर पी और एक बटा एक्स बराबर क्यू मान लेंगे, और इसका मान आप इसमें रखिए तो देखिए दो समीकरण बनेगा, इसमें रखें तो छ छ पी बनेगा ना प्लस थ्री क्यू बराबर छ समीकरण नंबर एक, तीन तीन आई दो पी प्लस चार क्यू पाँच समीकरण नंबर छः हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ छ पी है तो दिमाग लगा, यहाँ दो पी है तो इसको छ बना ले तो तीन से गुणा करके घटा देंगे, दोनों समान चीज बन गया। समझ समीकरण तीन गुण है कुछ ना वही ना माइनस समीकरण चार गुण है तीन। चलो भाई वही लिखो छ पी प्लस तीन क्यू माइनस छ पी, तीन से गुणा कर रहे हैं बाबू बारह क्यू बराबर छ माइनस, कितना आसान क्वेश्चन है। चलो तीन क्यू माइनस छ पी माइनस बारह क्यू, अब पंद्रह में छ गई भाई, छ पी कैंसिल भाई, बारह में से तीन के लिए माइनस नौ क्यू बराबर माइनस नौ, तक क्यू बराबर माइनस नौ बटा माइनस नौ पूरा कट गए तो क्यू का मान, अब क्यू का मान किस में रखेंगे समीकरण तीन में रख देंगे, तो तीन कहाँ है तो यहाँ है, छ पी वैसे ही लिखो प्लस वैसे ही लिखो तीन गुणे क्यू का मान एक बराबर छ लिख दो, तो छ पी बराबर छ माइनस तीन, छ पी बराबर तीन आ पी बराबर तीन बटा छ काटोगे तो दो तो एक बटा दो, ये पुनः आपको पी और क्यू पर लिखना है, पी का माने एक बटा दो, आ पी का माने कितना एक बटा वाई, एक बटा दो वाई बराबर क्या आ जाएगा दो, उसी तरीके से क्यू बराबर हो जाएगा एक बटा दो, क्यू का मान कितना आया एक है और इसका मान है एक बटा आपने वाई माना एक्स माना बराबर एक, तो एक्स बराबर एक आया। ये सवाल छ आपने लगाया, बाकी जो बचे रहा है इसको हम लोग कल देखेंगे लगाएंगे। हाँ तो दो सवाल है ना, आइए शुरू करते हैं हम लोग।